जोधपुर से जाने से पहले हम लोग लंच के लिए रुके हैं, जो वेलकम किया है वो वेलकम सॉन्ग आप एक बार सुन लीजिए। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जोधपुर। एंड जोधपुर से जाने से पहले हम लोग लंच के लिए रुके हैं मधुधारा करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। एंड मधुधारा में जो वेलकम किया है वो वेलकम सॉन्ग आप एक बार सुन लीजिए। फाइनली वी रीच चित्तौड़गढ़। एंड चित्तौड़गढ़ में हमारे साथ है विजय, जो हमें इस पूरे फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे। सो बाकी के सीन्स कुछ ऐसे। सबसे पहले तो शक्ति भक्ति और त्याग की बलिदान की इस भूमि पर आपका वेलकम है। अब मैं आपको बताऊंगा विजय स्तंभ के बारे में। सामने जो आप देखेंगे इसे कहते हैं विजय स्तंभ, द टावर ऑफ विक्ट्री। इसको बनाया था राणा कुंभवानी 14वीं शताब्दी के अंदर, 1438 से 1458 में इसको बनाया था। इसको बनाने में 10 साल लगे थे सर। ये 9 मंजिल इमारत का बनाया गया है। इसके ऊपर विष्णु के कई आर्किटेक्चर बनाए गए। इसके अंदर 157 सीढ़ियां है और 122 फीट ऊपर है। अपन दूर से देखेंगे तो ये लगता है जैसे शिव जी का डमरू होना, उसकी आकृति का बनाया गया है। वो मैं नीचे चल के आपको बताऊँगा वहाँ से कि कैसा बनाया गया है। इसे क्यों बनाया था? जब मालवा और गुजरात दो सेना किले के ऊपर अटैक करती है तो मालवा और गुजरात को राणा कुंभ हरा कर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं। अभी तो कोविड की वजह से बंद कर रखा है सर, आप देखोगे इधर से बंद है सारा सर। जो अपने हिंदुओं में 9 ग्रह होता है ना, उसी की तरह इसको बनाया गया है। किले पर कोई गेस्ट आता है तो उसको गिफ्ट के रूप में विजय स्तंभ दिया जाता है। सामने जो आप पूरा गार्डन देख रहे हैं इसे कहते हैं जौहर स्थल। यहाँ रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ में जौहर किया था। जब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ खुदाई की गई तो यहाँ 100 फीट का गहरा खड्डा मिला। उसमें राख कंगन चूड़ियाँ मिली थी जो सिटी पैलेस में लगाई गई है उदयपुर की। वहाँ पर छोटा सा आप देखोगे हवन कुंड बनाया गया है। दिख रहा है हवन कुंड आपको सेंटर में? वो सीमेंट से बनाया गया है। तो उदयपुर के राजा आते हैं महेंद्र सिंह जी। फरवरी में एक फेस्टिवल आता है सर, फरवरी में, उसे कहते हैं जौहर मेला। बहुत बड़ा मेला लगता है किले के ऊपर, जौहर मेला लगाया जाता है। उस दिन वो आकर यहाँ पर हवन करते हैं और पद्मावती की आत्मा को शांति के लिए हवन किया जाता है। गवर्नमेंट ने उसका अप्रूवल दे रखा है, वो लिख रखा है जौहर मेला। मंदिर देख रहे हैं, इसे कहते हैं शमादेश्वर मंदिर। किले का सबसे बड़ा मंदिर है और अच्छा मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर जैसी डिजाइन बनाई गई है ना सर, किले पर किसी मंदिर के ऊपर नहीं बनाई गई। इस मंदिर को कमल होता है लोटस, उसके बेस पर बनाया गया है। नीचे से आप देखेंगे कमल की जो पत्तियाँ होती है वैसे, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी का 3 फेस का मूर्ति है। 8 फीट का मूर्ति है। अंदर मूर्ति के साथ में सेल्फी लेना अलाउ नहीं है, आप मूर्ति का फोटो निकाल सकते हैं। जैसे अपन छोटे बच्चे के काला टीका लगाते उसकी नज़र ना लगे, वैसे ही इस पर ब्लैक स्टोन लगाया गया है। सामने जो आप देखेंगे इसे कहते हैं गौमुख कुंड। गौमुख कुंड इसलिए कहा जाता है कि 24 आवर्स और 12 मंथ्स ऑल टाइम इसमें पानी आता है। गाय के मुँह से, गाय का मुँह बनाया गया है नीचे, जो बारिश के पानी से अभी क्या डीप लिए तो अंदर डूब गया है सर।
यहाँ पर इसे सास बहू का कुंड भी कहते थे। जब ये खाली हुआ तो यहाँ पर दो नहाने के जो होते हैं ना सर, बात बने हुए, वो बने हुए थे अंदर। शमशान के पास में हमेशा तालाब होता है ना सर, तो ये तालाब बनाया गया जो अपन ऊपर देखा है ना अभी, शमशान 16,000 लेडीज ने जोर किया, तो इसीलिए ये बनाया गया है सर। चित्तौड़गढ़ का जो फोटो सर्च करते हैं गूगल के ऊपर जो दिखाई देता है, यहाँ इसीलिए गया है। और किला जो आप घूमना है, किले के ऊपर 113 मंदिर मिलेंगे आपको और 84 पानी के तालाब मिलेंगे। 84 पानी के तालाब सर, सबसे अच्छा पानी इसमें आता है सर। सामने जो आपको सारा भूमि दिखाई दे रहा है ये युद्ध का भूमि है। किले पर 3 अटैक हुए 1303 में, 1535 में और 1568 में। सारा युद्ध यहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने अभी इसको सर खेत बना दिए, दिख रहा नहीं सर। मारी चोखोड़ी रे चढ़े